अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक और किसान, ग्राम कुआं खेड़ा जबलपुर निवासी अनिल कुमार पचौरी। श्री अनिल कुमार पचौरी जी कृपया मंच पर पधारें। ग्राम कुआं खेड़ा जबलपुर निवासी अनिल कुमार पचौरी परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद आपने उन्नति कृषि के लिए रिसर्च करना शुरू किया और कृषकों को उन्नत कृषि करने की सलाह दी। नदी किनारे बंजर जमीन कंक्रीट का जंगल न बन पाए इसलिए आपने उन्नत किस्म की हार्टिकल्चरल खेती की और उस पर ही आपका जोर रहता है। नदियों का संरक्षण अपने आप वातावरण शुद्ध करता है। श्री पचौरी ने नारियल की खेती पर काम किया और मध्य प्रदेश में नारियल की खेती करके सबको अचरज में डाल दिया। आपने जबलपुर शहर के नज़दीक नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा में लगभग 10 एकड़ ज़मीन पर 2000 नारियल के पौधे लगाए जिन्होंने सिर्फ 4 वर्ष में फल देना चालू कर दिया। आप किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जोरदार तालियों के साथ अनिल पचौरी जी का हम अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अशोक कुमार पटेल। अनिल जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। निश्चित तौर पर उन्नत कृषि के सूत्र से हम चर्चा करें। नमस्कार आप सबको। आज राजधानी ने संस्कारधानी का सम्मान किया। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूं जबलपुर का, वो छोटा सा किसान हूं। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि नर्मदा किनारे जो आजू बाजू जो जमीनें हैं वो लोग बाग बिल्डरों को बेच रहे हैं, क्योंकि वो गरीब किसान हैं बेचारे, वो बिल्डरों को बेचते हैं, इसलिए बेच देते कि वहाँ खेती वगैरह हो नहीं पाती। मैंने देखा आंध्र प्रदेश में केरला में नदियों के किनारे बड़ी लाजवाब नारियल की खेती हो रही है और वो बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने देखा वहाँ 5 एकड़ का किसान मर्सिडीज मेंटेन करता है साहब। मैंने कहा मेरे यहाँ तो 100 एकड़ का किसान भी रिमोल टायर ढूंढता फिरता है। हाँ, ये मैंने खुद अनुभव किया, मैं खुद ढूंढता हूँ। मेरे पास भी पैतृक ज़मीनें हैं, खेती करता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये तो 34,000 का टायर कैसे लूँगा, साला 12,000 का मिल जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ देखा कि 5 एकड़ का किसान है, फर्स्ट क्लास मर्सिडीज उसके घर में खड़ी है, देखा तो नारियल की खेती कर रहा है। नारियल में लाजवाब पैदावार है, जो पानी पीने वाले नारियल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी, और उसमें बहुत कमाई है। पहले जो अपना पूजन वाला नारियल तो 5 रुपया 10 रुपये का बिकता है, लेकिन वो 35-40 से नीचे बिकते ही नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि आप नारियल कच्चा तोड़ते जाएंगे तो नारियल और फलते जाता है। मैंने उस पर रिसर्च किया तो उसमें ये समझ में आया कि एक पेड़ 400 से 500 फल देता है साल में, तकरीबन 90 साल तक रहता है, और उसकी जो उम्र है वो 80-90 साल की है। एक बार लगा दीजिए 3 पीढ़ी तक कमाते रहिए, ना तो वो टूट के गिरता है आंधी से, ना उसको चोरी करता है कोई, ना उसको पक्षी खाते हैं, आंधी तूफान कितना भी आ जाए उसका कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है, उसके बीच में एक अलग किस्म का ग्रीन हाउस बन जाता है, उसके अंदर आप ऐसे किस्म की खेती कर सकते हैं जो गर्मी में ग्रीन हाउस में इतने बड़े बड़े महंगे ग्रीन हाउस बनाते हैं अपन, उसके अंदर होते हैं, वो उसके अंदर आसानी से होते हैं। शिमला मिर्चा है, टमाटर है, जो गर्मी में बहुत महंगे होते हैं, गोभी है, ये किसान उसमें पैदा करके अत्यधिक उसमें लाभ उठा सकता है। अशोक जी, हमारा निवेदन ये है कि एक मिनट दे दीजिए, क्योंकि ऐसा अवसर मुझे नहीं मिलता कभी जी, क्योंकि मैं तो किस छोटा सा किसान हूँ। आप लोगों को तो क्या है, हमेशा मंच मिलता है और आप लोगों को, क्योंकि मुझे अवसर मिला है, हाँ मुझे अवसर मिला है तो मैं उसका लाभ उठाना चाहता हूँ। और मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, एक राजधानी ने एक संस्कारधानी का स्वागत किया है, मैं उसके लिए बिल्कुल आपका आभारी हूँ। आप देखेंगे कि नारियल की खेती में किसानों को, आप लोग बताइए किसानों को इतना लाभ है, उसके पत्तों से झाड़ू बनती है, उसका बीज के डंठल से साहब हमारे यहाँ वो जो कोको पिट जिसको हम लोग 50 रुपये किलो खरीदते हैं वो उसके बीज के डंठल से बनता है, इससे कुटीर उद्योग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल सकता है बहुत मज़े से। उसके बाद में फिर पानी पीने वाले नारियल की डिमांड तो है ही। दूसरी चीज़ क्या है कि नर्मदा किनारे जो ज़मीनें हैं वो बहुत छोटे छोटे किसानों की हैं, वो किसी भी बिल्डर्स के बिल्डर को और जैसे गांव बस्ती बसाने वालों को बेच देते हैं क्योंकि उन पर कुछ होता नहीं है। लेकिन जब ये नारियल की खेती नर्मदा किनारे होने लगेगी तो वो किसी कीमत में नहीं बेचेंगे, और जब किसी कीमत में नहीं बेचेंगे तो आपकी ये जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन नर्मदा मैया है ये हमेशा शुद्ध रहेगी।
मैं ये कह रहा हूँ कि जमुना जी एक ऐसी नदी थी, आप लोगों सबको मालूम, शास्त्रों में भी ये है कि वहाँ कृष्ण भगवान विहार करते थे, कितनी शुद्ध होगी। आप जाइए जमुना जी में, आज दिल्ली में पानी का हाथ में लेने की हिम्मत नहीं कर सकते साहब, आप हिम्मत नहीं कर सकते, इतनी गंदी कर दी हम लोगों ने मिलकर उसको। लेकिन नर्मदा मैया का ऐसा नहीं होगा। मैंने ये बीड़ा उठाया है, नारियल की खेती दोनों साइड लगाई जाएगी, कोई किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा, इसलिए नहीं बेचेगा कि वहाँ कंक्रीट का जंगल बने और नर्मदा मैया हमेशा अद्भुत है। और ये बीड़े में, और मैं, मेरे साथ ऊर्जावान मुझे कृषि मंत्री मिले कमल जी, आपने खुद जाके नारियल का खेत देखा है, और जैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई कि मैं यहाँ तक आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अशोक पटेल जी बहुत समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश हो गई। मैं जबलपुर से आया हूं, अनिल पचौरी हूं, कृषक हूं, और दखल न्यूज़ ने लाजवाब मेरे पूरे शहर का गौरव बढ़ाया, और मैं बिल्कुल बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों को। कार्यक्रम भी शानदार, और जो मुख्य अतिथि वगैरह जिन्होंने जिस तरीके से समय दिया, बहुत कम ऐसा होता है। निश्चित ही मैं ये समझ रहा हूँ कि दखल न्यूज़ का कहीं ना कहीं अपना एक स्तंभ है, और बहुत ही अच्छा है।